किसान साथियों, गेहूं की बात आती है और किसानों के मन में सवाल होता है कि हमें ऐसा गेहूं चाहिए जो कि सारी परिस्थितियों, उत्पादन और उन पर खरा उतरे। तो आज मैं बात कर रहा हूं आपसे एक नया और बेस्ट गेहूं के बारे में, जो कि पिछले वर्ष ही इंदौर स्थित अनुसंधान द्वारा रिलीज किया गया है। तो इसका नाम पूषा कीर्ति है, इसका वैज्ञानिक नाम HI 8830 है, जो कि अभी ये गेहूँ बहुत कम है किसानों के पास, ट्रायल बेस पे चल रहा है अभी। तो ये गेहूँ अभी से सबसे बेस्ट गेहूँ में शुमार है। इसे जो है करनाल भी भेजा गया था अनुसंधान के द्वारा, वहाँ से भी इसे पास किया गया है। ये ड्यूरम क्वालिटी का गेहूँ मध्य प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट उत्पादन देने वाला गेहूँ है। तो इस बार इसकी उत्पादन, पिछले वर्ष भी किसानों ने कुछ मात्रा में लगाया था तो उत्पादन बहुत शानदार इसने दिया था, सारी किस्मों में अव्वल था। इस बार अधिक किसानों ने लगाया है। तो 8830 की बात की जाए तो ड्यूरम क्वालिटी में आने वाला गेहूं है। तो जो पूषा मंगल चल रहा था 87 की सीरीज में, उसका ये अपग्रेड वर्जन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। पूषा मंगल में दो बड़ी खामियां थी कि जो है गिरने की संभावना बहुत अधिक थी उसमें, और जो दाने थे वो ख़राब हो रहे थे। तो ये दोनों जो समस्याएं थी पूषा कीर्ति में नहीं है अब। तो आप पूषा मंगल का भी उत्पादन देख सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं इससे, तो आपको कितना फ़ायदा होने वाला है आप सोच सकते हैं। 8830 अगर आपके पास गेहूँ होगा तो 5 सिंचाई में गेहूँ पककर तैयार हो जाता है। अवधि की बात करूं तो मैं 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाता है। ड्यूरम क्वालिटी है तो पकने में देरी होती है इस गेहूं में, क्योंकि कठिया गेहूं है। तो बहुत शानदार आप देख सकते हैं इसकी बालियां। इल्ली लगने की जो समस्या, किसान भाई परेशान है कि इल्ली लग रही, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो है तेजस जैसी बालियाँ हैं, पूरी तरह से बालियाँ पैक है। आप खास बात यह है कि आप इसे जब टच करेंगे, आप देखेंगे तो इसमें दाने पूरी तरह से आपको फील होंगे कि हाँ दाने इसमें भरा गए हैं, अब पूरी तरह से तैयार है। तो यह है 8830, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो ब्रांचेज है वो भी इसने बढ़िया ली है, आप ब्रांचेज भी देखिए, बहुत शानदार है। अभी 120 दिन की अवस्था में खड़ा है, कुछ बालियाँ सूखी है, कुछ तने जो है हरे हैं अभी। प्लाट आप देखिए किस तरह से खड़ा है, बहुत ही शानदार स्थिति में है अभी।